अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़रनक सिधवा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, एक नए हफ्ते के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। और अब हम शुरू करते हैं विद आ केक टुडे। वी गॉट एन एंजल फूड केक टुडे। ठीक है, ये केक बहुत ही लाइट स्पंज है, इसमें कोई फैट नहीं है, फैटलेस है ये। और इसका एक तरीका है बनाने का, जिसको हम बनाते हैं एक स्पेशल टिन में, आपके पास हो तो ज़रूर बनाइएगा। उसी टिन में हम रिबन राइस भी पहले आपको बनाना सिखा चुके हैं। इट्स बेसिकली अ टिन विच हैज़ अ फनल इन द मिडल, यानी कि इस तरह का टिन है। बंट केक के टिन में नहीं बनता है ये, ठीक है, ये इस तरह का, इस तरह का केक बन जाएगा। उसके बाद उसको हम उल्टा करके फौरन निकाल के ठंडा कर देंगे और फिर उसको हम निकालेंगे और ऐसे करके फिर उसका शेप आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, नाउ थिंग टू नोट इज़ कि इस टिन को ग्रीस नहीं करते हैं। जब भी आप एंजल फूड केक बनाएंगे उसको ग्रीस नहीं करेंगे। ग्रीस किया हुआ होगा तो वो श्रिंक सा हो जाता है, ग्रीस नहीं करिएगा। अच्छा नॉनस्टिक बर्तन होगा, आराम से केक निकल आएगा। अब उसके लिए आपको चाहिए 12 एग वाइट्स। आपने सही सुना, 12 अंडे मैंने तोड़े थे, सफ़ेदियाँ यहाँ, जर्दियाँ सेपरेट। बिल्कुल भी सफ़ेदी के अंदर ज़रा सी भी जर्दी नहीं जानी चाहिए। ये है एग सेपरेटर। मैं तो ऐसे ही अंडे तोड़ देती हूँ, हाथ से ही सेपरेट कर देती हूँ। नहीं आपके साथ हो तो प्लीज़ आप एक एग सेपरेटर का इस्तेमाल करिएगा। उसमें आप अंडा तोड़ेंगे तो सफ़ेदी बाहर निकल आएगी, जर्दी सिर्फ इसमें रह जाएगी। ठीक है, सो डू यूज़ एन एग सेपरेटर अगर आप अनश्योर हैं, क्योंकि इसमें जर्दी नहीं आनी चाहिए, ज़रा भी योक नहीं आनी चाहिए। पूरा एक कप मैदा है, कॉर्नफ्लावर एक चमचा है, चीनी 2/3 कप है, अंडे की सफ़ेदियाँ मैंने कहा 12 हैं, बड़े 12 अंडे लिए थे। ठीक है, क्रीम ऑफ टार्टर, अब ये कोई क्रीम नहीं है, ये पाउडर है। ये अंडे की सफ़ेदियों से जब भी काम करते हैं, मेरेंग, पावलोवा, एंजल फूड केक बनाते हैं, तो ये एक पाउडर मिल जाता है, क्रीम ऑफ टार्टर लोकल है यहाँ से, बहुत अच्छा मिल जाता है, वो आप ज़रूर डालेंगे, उससे आपके अंडे की सफ़ेदी स्टेबलाइज होगी। थोड़ा सा 1/4 टीस्पून जितना इसमें नमक जाएगा, और हम इसमें फ्लेवरिंग देने के लिए वेनिला और आमंड एसेंस, दोनों एसेंसेस डालेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान केक है, कोई मक्खन नहीं, कोई तेल नहीं इसमें है, और ये सिर्फ अंडे की सफ़ेदियों से ही पूरा बनता है। चीनी जो होगी वो पिसी हुई, बारीक पिसी हुई चीनी होनी चाहिए, उसको छान लीजिएगा। बेशक अगर आपको लगता है कि इसमें बिट्स एंड पीसेस हैं, दानेदार चीनी नहीं इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, ये केक जो है ये बहुत ही सिंपल है, 4 अज्जा से बन जाएगा। लेकिन इसमें जो चीज़ें नोट करने की हैं, बस वो ये मैं आपको बताती चलती हूँ कि जर्दी नहीं जानी चाहिए, हर चीज़ आपको छाननी है। ये देखें, मैदा, इसमें आपने कॉर्नफ्लावर डाला, आम फ्लावर नहीं इस्तेमाल करिएगा, सिर्फ मैदा नहीं इस्तेमाल करिएगा, इसमें जाता है केक फ्लावर। केक फ्लावर यहाँ नहीं मिलता है तो केक फ्लावर हम खुद बना लेते हैं, मैदे के अंदर हम कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं तो केक फ्लावर बन जाता है। ठीक है जी, ठीक है, छान लिया आपने, ओके। अब मैं आपको रिपीट कर दूं मैंने क्या किया था। देखें, ग्रीस नहीं करना है टिन, वो मैंने रेसिपी में भी लिखा है। मैदा, कॉर्नफ्लावर आपने डाल दिया, इसमें आपने चीनी भी डालनी है। मैं चीनी को भी छान लूँ, चीनी को भी मैं छान लूँगी, इसलिए कि कहीं भी थोड़ा सा भी बिट्स एंड पीसेस अंदर चीनी के नहीं होने चाहिए। बिल्कुल फाइन होनी चाहिए ये जो है लम्स, इनको आप तोड़ दीजिए। बेशक इतनी फाइन पीसी थी, फिर भी देखें ये इस तरह बारीक, ये पीसेस नहीं जाएंगे। ठीक है, मैदा, कॉर्नफ्लावर, चीनी आपने छान ली। अब ये मिक्सचर हम यहाँ रख देते हैं, ये एसेंस हैं दोनों, में एक्स्ट्रा चीनी लाई थी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस तरह का मशीन ले लीजिएगा, बड़ा वाला जो है हमारा, फूड, आप फूड प्रोसेसर में, ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, बिकॉज हमें बेसिकली सिर्फ अंडों को बहुत अच्छी तरह बीट करना है, अंडे नहीं, सिर्फ सफ़ेदियों को, एग वाइट्स ओनली। ठीक है, अच्छा, आज हमारे शो पे है डिलक्स स्मार्ट ड्राई आयरन इनेक्स की तरफ से, तो अगर आपको जीतना है तो आपने मुझे 3 केक्स के नाम बताने हैं। ठीक है, मसाला एवरी लिखिएगा अपना नाम, शेयर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। अब मैं क्या करती हूँ, ये 12 एग वाइट्स इसमें डाल देती हूँ। इसमें हम थोड़ी देर बाद नमक, क्रीम ऑफ टार्टर डाल के खूब अच्छी तरह इसको बीट करेंगे।
निकालेंगे, फिर हल्का हल्का ये मैदा, चीनी और कॉर्नफ्लावर जो था वो अंदर डालेंगे, और फिर एसेंस जाएगा एंड दैट्स इट, और फिर हम बेक करने रख देंगे। बेक होता है ये 30-35-40 मिनट तक। जैसे ही निकालेंगे, मेरे पास यहाँ एक जाली है, इस जाली पे हम इस केक को उल्टा फौरन कर देंगे, फौरन, ठीक है, इस टिन को पूरा उल्टा कर देंगे। तो जब ये उल्टा इस तरह हो जाएगा, इसको ऐसे ठंडा करेंगे एक आध घंटा, फिर आसानी से आप इस केक को ऐसे करके इसका टिन निकाल देंगे और ये निकाल देंगे, तो आपका केक यहाँ होगा। सो ये याद रखिएगा, इसी तरह बनता है। इस तरह के टिन्स में ये जो है ये एंजल फूड केक टिन कहलाया जाता है, या मिलता है, यहाँ से ही मैंने लिया है। इसमें आप राइस भी, हमने आपको एक दफ़ा बनाना सिखाया था रिबन राइस, जब मैंने चावल और कीमा या फिर आप झींगे का सालन रख दें, हरी चटनी, येलो चावल, वाइट चावल किया था, याद है आपको। अच्छा, ये भी मैं दिखाना चाह रही थी कि फ्राइडे को मुझे गवर्नर हाउस, सिंध गवर्नर हाउस में ये सर्टिफिकेट मिली थी। इट वॉज अ फंक्शन हेल्ड बाय द लेडीज़ फंड, इट इज़ पार्ट ऑफ द डाउ ग्लोबल फाउंडेशन, और उन्होंने मुझे इससे नवाजा था, थैंक यू सो मच। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस भी भेजे थे, थैंक यू सो मच। इट वॉज बेसिकली अ नॉमिनेशन, ठीक है, ये मुझे सेलेक्ट किया गया था फ्रॉम डिफरेंट शेफ्स, और मेरा नाम दिया गया था, सो देयर वॉज नो वोटिंग फॉर दिस, ये मुझे सेलेक्ट किया गया था। चलें अब हम शुरू कर देते हैं। हाँ, ब्रेक है, आई थिंक सो, इसलिए कि अगर मैं ये सफ़ेदियों को अभी बीट कर लूँगी, ब्रेक पे चले जाएंगे तो ये बैठ जाएंगी, आएंगे और फौरन कर देंगे साथ, ठीक है। तो आप लोग ब्रेक में बहुत सारे मैसेजेस कर दीजिएगा 888 पे, अगर आपको जीतना है आयन हमारे शो के थ्रू, जो इनिक्स की गिफ्ट है। जल्दी से बताइए तीन केक्स के नाम, मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। वेलकम बैक। अब हम एंजल फूड केक शुरू कर देते हैं। 12 एग वाइट्स हैं सिर्फ, इसमें हम डालेंगे क्रीम ऑफ टार्टर पाउडर, नमक, ये बीट होगा, और छान के मैंने मैदा, कॉर्नफ्लावर और चीनी छानी थी, पिसी हुई चीनी, ठीक है, बारीक, बिल्कुल भी टुकड़ा चीनी का नहीं आना चाहिए, प्लीज़ ये याद रखिएगा। एंड देन आमंड एसेंस, वेनिला एसेंस, और बेक करने हम रख देंगे, दैट्स इट। फिर हम क्या करेंगे, चिकन की कड़ी बनाएंगे, बहुत ही एक मज़ेदार मुख्तलिफ सी रेसिपी है, देखिएगा। इसमें दही भी जाएगा, खोपरा भी है, मसाला भी हम पीसेंगे, तो ये हम चावलों के साथ फिर सर्व करेंगे। सो दिस इज़ येट अनदर चिकन रेसिपी, इसको आप बीफ से, बोटियों से, मटन से, किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, चिकन बोनलेस से बना सकते हैं, सब्जियों के साथ कर सकते हैं, बेसिक ये कड़ी की रेसिपी होगी। चलिए, सो नाउ लेट मी स्टार्ट, ठीक है। बोल साफ़ होना चाहिए, गंदा नहीं, गीला नहीं, चिकना नहीं बिल्कुल भी, जिसमें आप तोड़ें वो अंडे का बोल जो हो भी, सफेदियां बिल्कुल साफ होगा तो ही अच्छी तरह फूलेंगी। 12 वाइट्स ओनली, और जर्दियों को प्लीज फेंक नहीं दीजिएगा, या आप उसका स्क्रैम्बल एग बनाएं, ऑमलेट बनाएं, कुछ भी और बनाएं, लेमन कर्ड बेस्ट बनेगा। ये क्यों फंस गया शर्जील, ये लाइव में क्यों हो जाता है? आ जाए, आ जाए, आ जाए, जो शर्जील का मैजिक टच है ना, बस इसी से हो जाते हैं, मशीन्स घबरा जाते हैं, मुझे लगता है बीच करना है बहुत अच्छा। टिन ये वाला नहीं हो, बंच टिन में बना सकते हैं, रिंग मोल में बना सकते हैं, लेकिन उस तरह नहीं फूलेगा केक, ठीक है। हाथ वाले मशीन से भी बीट कर सकते हैं, ये नहीं हो, परेशान नहीं होइएगा, लेकिन क्या है कि बहुत टाइम लग जाएगा, हाथ दर्द हो जाएगा, तो ये बेस्ट है कि देखें ना कि आराम से मैं खड़ी हूँ और ये बीट हो रहा है खुद ब खुद, मुझे वैसे चलाना नहीं पड़ रहा। थोड़ा सा स्टिफ होगा फिर हम डालेंगे। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, अंडे की सफ़ेदियों को हमने बीट करना है, स्टिफ करना है, लेकिन ड्राई नहीं हो जाए, इतना भी नहीं बीट करेंगे कि सूख जाए बीट हो होके, ठीक है, एक ग्लॉस शाइन इसमें होना चाहिए, बिल्कुल बहुत ही हल्का वाइट कलर का केक बनेगा, बिकॉज इसमें हमने बिल्कुल भी जर्दियाँ येलो नहीं डाला है, तो ये बहुत अच्छा एक केक बनेगा। आप इसको काट के वैसे ही टी टाइम पे खाएं,
या कोई फ्रूट्स के साथ सर्व करिए, कस्टर्ड के साथ सर्व करिए, या फिर आप इसको ट्राइफल में इस्तेमाल करिए, वाइट चॉकलेट के साथ कुछ बनाना चाहते हैं तो ये बनाइए। कितनी अच्छी फूली हुई हैं। अब इसमें हम 1/4 टीस्पून डालेंगे नमक, और इसमें हम डालेंगे क्रीम ऑफ टार्टर पाउडर। ये पाउडर यहाँ मिलता है, यहीं से मैंने लिया है, लोकल है, एक डब्बे में मिलता है, बहुत अच्छा है। अंडे के सफ़ेदियों को स्टेबलाइज करने के लिए हम डालते हैं, ठीक है। इस टिन को ग्रीस नहीं करते हैं जब हम एंजल फूड केक बनाते हैं, तो इसका नाम ही एंजल फूड केक है, मैंने नहीं दिया है, ठीक है, इसका नाम है। कौन? अनम है मरी से, मरी हिल से। हेलो हेलो, आवाज ऊपर, मुझे आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक, आप सुनाएं, कैसी हैं जरनक? मैं ठीक हूँ। मरी का तो मौसम बहुत ही अच्छा होगा अभी जी। यहाँ पर तो काफ़ी ठंड हो गई है, शाम को काफ़ी ठंड होती है जी। यहाँ तो अभी भी गर्मी है जी। जी जी, वहाँ पर तो कराची में तो आपको पता है 12 महीने मौसम गर्मी वाला ही रहता है। 2 महीने आती है सर्दी, बस ऐसे ही चली जाती है जी। और आज का जो आप केक बना रही हैं उसका तो नाम ही सुनने में इतना अच्छा है, एंजल फूड केक। वो जब बनेगा तो देखते हैं कितना मज़े का बनता है। वाइट बिल्कुल बनता है, ट्राई ज़रूर करिएगा। लाइट भी बहुत बनता है क्योंकि आपने सफ़ेदियों को इतना अच्छा बीट किया होता है, ठीक है, ट्राई करिएगा। मैं आंसर देना चाहूँगी जी। ब्लैक फॉरेस्ट केक, ठीक है, आलमंड केक, चीज़ केक, ओके ठीक है, एप्रिकॉट केक, आइसक्रीम केक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके, ये हो गया मैदा, कॉर्नफ्लावर और चीनी हमने डालनी है, अंडे की सफ़ेदियाँ, क्रीम ऑफ टार्टर और नमक चला गया है। अब इसमें हम एसेंसेस डाल देते हैं। आमंड एसेंस और वेनिला एसेंस। वापस बीट करते हैं। सिर्फ सफ़ेदियों से देखें कितना अच्छा झाग बन जाता है, फ्रॉथी हो गई हैं कितनी ज़्यादा। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको निकालेंगे और इसमें ये थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड करेंगे। अब हम मशीन नहीं चलाएंगे, हाँ ये याद रखिएगा, ये हल्का सा डालिए और इसको फोल्ड कर दीजिए ऐसे। सब चीज़ें छान के इस्तेमाल करिएगा। आपने देखा मैंने चीनी तक छानी थी आज, तो जस्ट लुक एट दिस एग वाइट। नीचे तक डालिएगा बिकॉज जो मैदा है फिर वो नीचे वरना रह जाएगा, बैठ जाएगा नीचे। पूरा हमने अंदर इनकॉर्पोरेट करना है आराम से। और एसेंस डालना ज़रूरी है बिकॉज फिर अंडे की स्मेल आएगी वरना। आमंड एसेंस और वेनिला मैंने डाला है दोनों। हल्के हाथ से प्लीज, ठीक है, इसको ऐसे करके फोल्ड करिएगा हल्के हाथ से।
बस डन। मेक श्योर के मैदा जितना हो सके आप हल्के हाथ से फोल्ड कर लें क्योंकि नीचे बैठ जाता है। अब हम इसको रखते हैं अवन में बेक होने के लिए अनग्रीस टिन। टिन को मक्खन तेल इसमें नहीं लगाते हैं, एंजल फूड केक बनाते हैं तो टिन को ग्रीस नहीं करते हैं, प्लीज़ ये याद रखिएगा। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जब ब्रेक पे जाएंगे तो हम आपको पैकेज दिखाएंगे जो हमने उस दिन इन्होंने शूट किया था फॉर माई अवार्ड सेरेमनी, ठीक है, उसका ये हम कर लेते हैं। पहले ये बैठ जाएंगी, इतनी अच्छी हमने इनको बीट की हुई हैं एग की वाइट्स को, तो हम कर देते हैं, अंदर डाल देते हैं। पूरा वाइट केक बनेगा, देखा होगा आप, सोचते होंगे कैसे बनता है, आज आपने सीख लिया। बहुत आसान है, बस छानना ज़रूरी है। अंडे बिल्कुल ठंडे नहीं होने चाहिए, अंडे स्टिफ बीट करिएगा लेकिन ड्राई नहीं कर दीजिएगा, और इस तरह का टिन होना चाहिए, टिन को ग्रीस नहीं करना चाहिए, चीनी पिसी हुई होनी चाहिए। बस ये थोड़े से पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, तो हो जाएगा, बहुत अच्छा सा केक बन जाएगा। अच्छा, मैं जा रही हूँ ब्रेक पे और पैकेज भी चलेगा, तो देखिए। जी वेलकम बैक, मैं इधर हूँ, एक चीज़ कर रही थी, थोड़ा सा 160-170 रखना है टेम्परेचर इसका, ठीक है, वरना बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा, सफ़ेदियाँ हैं और क्या होगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा, और अंदर से वैसे ये कच्चा नहीं रहेगा बिकॉज ये फनल जो है बीच में उसमें से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है हीट। ओके जी, आप सोचेंगे मैं क्या कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक बड़ा या दो आलू लिए थे, क्यूब्स में काट लीजिएगा छोटा छोटा, और तेल में उसको आप फ्राई कर दीजिएगा, बस ये कड़ी के लिए है। तब तक मैं यहाँ, जब तक केक हमारा बेक हो रहा है, आयरन है हमारे शो पे आज, किस किस को जीतनी है जल्दी से मुझे 888 पे 3-4 केक्स के नाम बताइए, मसाला एफडी लिखिएगा अपना नाम, शेयर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। मक्खन या घी ले लीजिएगा पिघल जाए, प्याज दो हैं, दो तीन प्याज ले लीजिएगा, वो डाल दीजिएगा स्लाइस करके और फ्राई कर दीजिएगा। तब तक हम मसाले पे आ जाते हैं, कड़ी का हमेशा एक मसाला होता है, ये है छोटी हरी इलायची, ठीक है, एवरीथिंग विल गो इन द ग्राइंडर, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसलिए बताती रहती हूँ मसाले वगैरह बिकॉज बेसिक चीज़ें हैं बेकिंग की, कुकिंग की। कुछ लोग अभी ज्वाइन करते हैं, नहीं आता है, यंग बच्चियाँ होती हैं जो सीखती हैं हमारे साथ साथ, तो उनके लिए अब ये है बड़ी वाली काली इलायची, ठीक है, नज़र आ रहा है कि, फिर ये है दालचीनी के स्टिक्स यानी कि सिनेमन, ये है लौंग यानी क्लोव्स, काली मिर्चें ब्लैक पेपरकॉर्न्स, जीरा क्यूमिन सीड्स, गोल वाली मिर्चें, छोटी गोल वाली मिर्चें हैं, और खसखस पॉपी सीड्स, नहीं हो बादाम डाल दीजिए, काजू डाल दीजिए, ये निकालेंगे फिर खोपरा डालेंगे फिर थोड़ा पानी डाल के ब्लेंडर में डाल देंगे। देखें दरदरा सा पिसा है, दोबारा इसको पीसेंगे, छन्नी छन्नी इसलिए छन्नी में इसलिए यूज करूंगी बिकॉज ये जो काली इलायची वगैरह होता है ना, बड़े बड़े टुकड़े इसमें रह जाते हैं, मुंह में आएंगे, कड़ी में हम चाहते हैं मसाला बिल्कुल फाइन पिसा हुआ हो, तो ये सारा जो मसाला है उसको भी मैं छान लूंगी। आलू हमारे हो गए हैं, उसको हम निकाल देते हैं।
अलग अलग कर दिया करें, कभी वेजेस में कर दिया करें, कभी अंदर ही पका लिया करें, कभी फ्राई करके डाला करें, कुछ भी करें बस करें, मगर अलग अलग हो हर दफ़ा। ठीक है, ये हो गया, इसको एक तरफ रख लेते हैं। यहाँ प्याज को हमने फ्राई करना है, फिर ये मसाला जाएगा, अदरक लहसुन भी जाएगा, दोबारा पीसते हैं। छन्नी के थ्रू छान लेते हैं, इसलिए कि आई वॉन्ट कि बिल्कुल स्मूथ हो, वरना गरम मसाला मुंह में आएगा ना, अच्छा नहीं लगेगा। बड़ी छन्नी मेरी थी ना जिसमें मैंने चीनी की थी, वो दे देना, उस पर जल्दी हो जाएगा, इस पर टाइम लगेगा। अच्छा, प्याज हो गया, इसमें आपने अदरक लहसुन डालना है। थैंक यू, इससे जल्दी हो जाएगा, बड़े पीसेस निकल आएंगे। देखा आपने, ये देखा, ये मसाला चाहिए, ये सब कुछ नहीं चाहिए बड़ा बड़ा। ओके, अब हम इसमें अदरक लहसुन शामिल करेंगे प्याज जब हो जाए। सौते करिएगा, ये सब कुछ हम हटा देंगे। खोपरा, यस, खोपरा मैं इसमें डाल के, खोपरा भी बिल्कुल फाइन पीस लेना चाहती हूँ। ओके, चिकन का जो एक्सेस पानी है वो निकाल दीजिएगा, अच्छी तरह धोइएगा, बोनलेस से भी कर सकते हैं, मैंने बोन्स के पीसेस यूज़ किए हैं। चिकन को खूब अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरह भून लीजिए, फिर ये मसाले जाएंगे। मक्खन, अदरक लहसुन, प्याज, चिकन और मसाले सारे, मैं रिकैप कर दूँ कौन से थे। काली मिर्चें, काली इलायची, हरी इलायची, लौंग, दालचीनी, ज़ीरा, खोपरा और खसखस और छोटी गोल मिर्चें पीस लीजिएगा, छान लीजिएगा। वी डोंट वांट अंदर बड़े बड़े पीसेस मुंह में आए। शेफ कुकवेयर हम इस्तेमाल करते हैं, सारे शेफ्स ऑन आवर शोज, ऑन मसाला टीवी, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बर्तन हैं। नॉन स्टिक वेयर जो इनकी है वो बिल्कुल फूड ग्रेड क्वालिटी की वो इस्तेमाल करते हैं, और पहली कंपनी थी पाकिस्तान में टू मेक प्रेशर कुकर्स। ऑनलाइन भी आप इसको ख़रीद सकते हैं। ये वो खोपरा और गरम मसाला पूरा जाएगा इसमें, ताकि मसालों के साथ चिकन थोड़ी आप भून लें। आधा पौना घंटा केक को लगेगा, लेकिन 160-170 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ओके, चलो ये सब कुछ हम हटा देंगे। अब हम दही और हल्दी शामिल करेंगे इसमें, और कुछ नहीं है। हरी मिर्चें भी हैं, 2-3 ले लीजिएगा। लाल मिर्चें आपने इस्तेमाल की हैं तो मेक श्योर बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए। और नमक मैंने नहीं डाला ना। एंड में हम जो चीज़ें डालेंगे वो सब मैंने यहाँ रखी हुई हैं, वो बस हम एंड में करेंगे, अभी नहीं। थोड़ा सा मैं भून लूँ, इसमें हम थोड़ा दही शामिल कर दें। मसालों के साथ चिकन भूनना बहुत ज़रूरी है। दही एंड सम वाटर,
बस दैट्स इट। अब इसको कवर कर देते हैं और इसको हम होने देते हैं। चिकन हो जाएगी तो फिर हम दूसरी चीज़ें डालेंगे जिसको हमें एंड में डालना है। ब्रेक ले लें प्लीज़, ब्रेक ले लेते हैं, सफाई करते हैं, क्लीन अप करते हैं। और यहाँ बॉइल्ड एग है, ब्राउन अनियन प्याज है, ज़ाफ़रान एसेंस है, हरा धनिया है, चावल हैं और ये आलू हैं फ्राई किए हुए। उसके साथ हम सजा के ये चिकन की कड़ी पेश करेंगे। आपको कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है एनएक्स की तरफ से इस्त्री आयन, तो जल्दी से 888-1 पे बहुत सारे मैसेजेस कर दीजिए और मुझे बताइए 2-3 एटलीस्ट केक के रेसिपीज़ के नाम। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज। आधा घंटा हो गया था हमारे एंजल फूड केक को, उसको मैंने निकाला और देखें इसको फौरन आपने उल्टा कर देना है इस तरह। और अगर मैं थोड़ा सा उठा के दिखाऊंगी यहाँ से, अभी गर्म है तो आपको नज़र आएगा कि जो फनल है ना उसकी वजह से यहाँ नीचे उस पर ये पूरा वायर रैक जो है वो उस पर लगा हुआ है, ठीक है। ये नहीं लगा हुआ, जो फनल है वो। अब इसी तरह ये एक घंटा ठंडा होगा, फिर आराम से आप ये उठाएंगे, इसका बेस निकालेंगे और इसको रखेंगे किसी प्लेटर पे और आइसिंग शुगर छिड़के फौरन सर्व कर दीजिएगा। गर्म भी कर सकते हैं, ठंडा करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये अंडे की जो सफ़ेदियाँ हैं ना उसी से ही बहुत लाइट होगा, ट्राई करिएगा। अभी मैंने थोड़ी देर के लिए इसको उल्टा करके रखा हुआ है जाली पर। चिकन की कड़ी हमारी हो गई है और इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे और इसमें हम ज़ाफ़रान या ज़ाफ़रान एसेंस डाल देंगे, ठीक है जी। ये भी हो गया, अब हम इसमें इसको मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऐड अ लिटिल बिट मोर ऑफ वाटर टू योर करी, दिस इज़ फाइन, चिकन इज़ डन। इसको हम डिश में निकाल देते हैं, बहुत थोड़ा सा पानी, आई थिंक आई विल ऐड। बस अब हल्की आँच पे इसको हम दम पे छोड़ देते हैं और मैं रीकैप की तरफ आ जाती हूँ। मैंने क्या किया था, ड्राई वाली छोटी लाल मिर्चें ली थी, बटन रेड चिलीज़, खोपरा लिया था, ज़ीरा था, काली और हरी वाली इलायची ली थी, लौंग थे, दालचीनी थी, काली मिर्चें थी और खशखाश। सब कुछ छोटे ग्राइंडर में पीस लीजिएगा, फिर उसको छान लीजिएगा, बिकॉज जो बड़ी इलायची होती है, छोटी इलायची होती है, उसके जो छिलके होते हैं वो फिर मुँह में आते हैं। हमें स्मूथ कड़ी चाहिए, वो मसाला छान लीजिएगा। और फिर आपने इसमें क्या करना है, पहले आपने तेल गरम किया या घी या मक्खन, आज मैंने मक्खन का इस्तेमाल किया था, उसमें आपने दो बड़ी प्याज लेके स्लाइस करके उसको आपने सुनहरा कर दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, हल्दी डाली आपने उसमें, हरी मिर्चें डाली, दही डाला, फिर हमने उसमें चिकन भी डाली है और नमक डाला है, दैट्स इट। वो मसाला पूरा गया खोपरे के साथ जो पिसा था। आलू को छोटे क्यूब्स में काट के फ्राई कर दीजिएगा, लाल प्याज है वो ऊपर जाएगी, हरा प्याज है वो भी डेकोरेशन के लिए रख देंगे ऊपर से, और अंडा है बॉइल्ड। बस तो चावल मैंने निकाल दिए हैं डिश में, साइडों पर हम चिकन वगैरह निकाल देंगे एंड आर चिकन करी इज़ रेडी। तो आप ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा, इसको आप गोश्त से भी बना सकते हैं। और इसको हम थोड़ा ठंडा होने के लिए टाइम देते हैं। अब व्हाट कैन आई डू ना, अभी टाइम नहीं है ना हमारे पास। एक दफ़ा मैं उल्टा करके दिखा देना चाह रही हूँ, ये देखें इस तरह का ये केक बनता है। अब आपको दिखाने के लिए ना मुझे इसको लूजन करना पड़ेगा जल्दी से, आप लोग टाइम देंगे ना, ये देखें आप साइडों से ऐसे करके इसको लूजन करेंगे ना तो ये जल्दी आ जाएगा बाहर। इट्स वेरी वेरी हॉट, ठीक है। दिस इज योर व्हाइट केक, एंजल फूड केक रेडी है। इसको हम आराम से फिर शिफ्ट कर देंगे ऑन आर प्लेटर और ऊपर से हम आइसिंग शुगर छिड़केंगे एंड दैट्स इट। लाइट सा, फ्लफी सा, मज़ेदार सा केक। अच्छा जी, कौन से तारीख को मैं जा रही हूँ, 18th को जुमे को मैं जा रही हूँ बीच लग्जरी होटल, वहाँ फूड फेस्टिवल है। आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो टिकट्स ज़रूर बाय कर लीजिएगा, वहाँ बहुत अच्छा खाना भी होगा, मुझसे भी मिलिएगा, तस्वीरें लीजिएगा, ऑटोग्राफ लीजिएगा, व्हाटएवर, ठीक है। और हम सैटरडे 19th को समीना आपा होंगी, मैं होंगी 18th को। तो चलिए ये हो गया, इसको मैं निकाल देती हूँ, आप लोग ब्रेक पे जाइए और इसको भी फिर हम शिफ्ट कर देते हैं एंजल फूड केक को। स्टे ट्यून्ड।
चिकन करी। अच्छा, चिकन आधा किलो, स्लाइस प्याज दो आदद, अदरक लहसुन का पेस्ट एक खाने का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, हरा धनिया एक गट्ठी, हरी मिर्चें दो आदद, दही एक कप, ज़ाफ़रान चंद रेशे, आलू छिले और फ्राइड दो आदद, घी या मक्खन दो खाने के चमचे, अंडा हार्ड बॉयल एक अदद, नमक हस्बे ज़ायका। पेस्ट के लिए खशखाश एक खाने का चम्मच, काली मिर्चें 10 अदद, काली इलायची 2 अदद, दालचीनी 2 इंच का टुकड़ा, लौंग 7 अदद, हरी इलायची 2 अदद, जीरा एक खाने का चम्मच, नारियल 30 ग्राम, साबित कश्मीरी लाल मिर्चें 4 अदद। तरकीब, घी गर्म करके प्याज फ्राई करें कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए और निकाल कर एक तरफ गार्निश के लिए रख दें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर फ्राई करें। अब इसमें हल्दी और हरी मिर्चें शामिल करके फ्राई करें। पेस्ट के लिए खशखाश, काली मिर्चें, काली इलायची, दालचीनी, लौंग, हरी इलायची, जीरा, नारियल और साबित कश्मीरी लाल मिर्च पीस लें। फिर ये पेस्ट हरी मिर्च वाले पेस्ट में डालकर इतना फ्राई करें कि घी अलग हो जाए। उसके बाद चिकन, नमक और पानी डालकर इतना पकाएं कि चिकन तकरीबन गल जाए। फिर इसमें दही मिला दें। अब ज़ाफ़रान को थोड़े नीम गर्म पानी में मिलाकर चिकन में डाल दें। फिर दम पर ग्रेवी को इतना पकाएं कि वो गाढ़ी हो जाए। आखिर में हरा धनिया, फ्राइड आलू, उबले स्लाइस अंडे और फ्राइड प्याज से गार्निश करके सर्व करें। एंजल फूड केक। अज्जा, मैदा एक कप, कॉर्नफ्लावर एक खाने का चम्मच, चीनी दो तिहाई कप, अंडे की सफेदियाँ 12 अदद बड़ी, क्रीम ऑफ टार्टर डेढ़ चाय का चम्मच, नमक एक चौथाई चाय का चम्मच, कस्टर्ड शुगर दो तिहाई कप, वनीला एसेंस डेढ़ चाय का चम्मच, आमंड एसेंस आधा चाय का चम्मच। तरकीब, मैदा, कॉर्नफ्लावर और दो तिहाई कप चीनी को बोल में छान लें। उसके बाद अंडे की सफेदियाँ, क्रीम ऑफ टार्टर और नमक को अच्छी तरह बीट करें। फिर बाकी दो तिहाई कप कास्टर्ड शुगर थोड़ी थोड़ी शामिल करके बीट करते जाएं। फिर बैटर में आहिस्ता करके मैदे का मिक्सचर, वनीला एसेंस और आमंड एसेंस मिलाकर बीट करें। अब बैटर को ग्रीस किए बगैर एंजल फूड केक टिन में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट बेक करें। फिर निकाल के ठंडा कर लें और काट कर सर्व करें। जी, वेलकम बैक। देखें, चावल बीच में है, कड़ी मैंने साइड में रख दी है, आलू डाल दिए हैं, अब ये जो हरे प्याज हैं उनको आप थोड़ा थोड़ा स्लाइसेस में काट के वो डाल दीजिए जस्ट फॉर द कलर। कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए ना। फिर है ब्राउन प्याज, वो हम साइड्स पे यहाँ डाल देंगे। मेक योर प्लेटर, योर डिश नाइस एंड प्रेजेंटेबल, अच्छा सा लगे आँखों को पहले, फिर खाएंगे लोग। और अंडा है, बॉयल्ड अंडा, बॉयल्ड अंडा है इसको आपने करना है स्लाइस, और आप इसको रख दीजिए यहाँ। डन, ठीक है जी। और अब क्या करेंगे, अब बाकी है अभी तो, ये है मेरे पास यहाँ आइसिंग शुगर, ठीक है जी। इसको हम छन्नी में छोटी सी डाल के ना आपने इसके ऊपर ऐसे ही छिड़क देनी है। आप लोग इस केक को प्लीज़ एक आध घंटा ठंडा करिएगा ऐसे ही उल्टा करके जाली पे। मेरे को आपको दिखाना था, दैट्स व्हाई आई हैड टू डू दिस। सो दिस इज़ योर एंजल फूड केक। बहुत ही लाइट है, मज़ेदार है, ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। और आपकी चिकन की कड़ी भी रेडी है, ज़रूर रेसिपीज ट्राई करिएगा। कौन जीता है जी, एनिक्स की तरफ से आए ना आज, अनम मरी से, ओ वेरी गुड, मुबारक हो। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज को इजाज़त। रात में 10:30 बजे हमारा शो रिपीट होता है, अगर अभी आपने कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो। देखते रहिए मसाला टीवी और भी हमारे सारे शोज़ ज़रूर देखिएगा। चलिए जी, देते हैं, लेते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।